वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उतन के पीछे डांस हो रहा है, तो अभी सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। बहुत दिन बाद बालों में मेहंदी लगाने जा रही हूँ, तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। क्या शेयर मेहंदी लगाने में क्या शेयर करना, बट हाँ मुझे लगा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने ना अपने बाल, जब मैं शादी से आई हूँ नरेंद्र भैया की, मैंने कट कर लिया अपने बालों को। क्या मैंने अपने बालों को ना कट कर लिया है, तो अभी मुझे ठीक लग रहे हैं। इतने छोटे बाल ना आप मैनेज कर सकते हो, और अभी मेहंदी लगाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़े से बाल सही होने लगे। वरना पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब से शादी हुई थी 5-6 साल हो गए, मैंने मेहंदी लगाना बंद कर दिया था। और 2-3 बार ऐसा हुआ ना, मैंने बालों में कलर कर दिया था, तो बाल बहुत अजीब से हो गए थे, ड्राई ड्राई से, फ्रिजी फ्रिजी से, क्योंकि सैलून वगैरह तो मैं जाती नहीं हूँ कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवा दी हूँ, तो वो सब मेरा काम रहता नहीं है। तो फिर इसी वजह से ना बहुत बेकार हो गए थे बाल, और सच में बहुत देखने में ही अजीब से लगते थे। बट अभी थोड़े से बाल वाले हट गए, नॉर्मल हो गए, तो अब ठीक लगते हैं। जैसे पहले बाल थे वैसे हो गए। मेहंदी मैंने लोहे की कढ़ाई में घोली हुई है, ये छोटी सी कढ़ाई मैंने रख ली है अपने लिए मेहंदी भिगोने के लिए, और इसको मैंने कल रात में भिगो दिया था, और अब ही बनाते हैं। मैं डायरेक्ट से ये फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे कुछ लगाऊंगी ना तो फिर ग्लव्स वगैरह से मुझसे बनता नहीं है सही से। अंदर कर देना चाहिए वो सब भी रख देती हूँ मैं, और ये कुछ
दिवाली गिफ्ट्स हैं, अभी ऐसे ही रखे हुए, मैंने ओपन भी नहीं इनको किया है, आपको दिखाऊं। इन सबको भी मैं अभी फिलहाल अंदर ही रख देती हूँ, इनमें भी सारे ड्राई फ्रूट्स ही हैं, आपको दिखाऊं। तो अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ चलो, हाँ एक ये भी है, ये आपको दिखाऊं। कौन आ रहा है उदय? दादी आ रही है, अब तो जिन दादी के साथ रहेगा। ये आपको दिखाऊं, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं, किसमिस हैं, और भी बहुत इसमें अलग अलग टाइप की चीजें हैं। और इसकी इसकी बॉटल बहुत अच्छी लग रही है, एकदम प्यारी प्यारी सी। ये अच्छे है, रख दे इसको भी, हटो रख दे दो, नहीं इसको भी रख दे दो, अभी किसी काम का नहीं है। नो उदयन, इधर आओ जल्दी आओ। ये किसने आपको सिखाया है? इन्होंने जो पैंट की हालत करी है ना, ये मिट्टी से करी है। इधर आ जाओ, अंदर चलते आ जाओ उदयन। मम्मा सफाई में लगी हैं और ये बाहर इधर देखो क्या करने में लगे हैं। नहीं मिट्टी गंदी, छी गंदी है। अभी पापा पिटाई करेंगे, रुक जाओ। मैं नहाने चली गई थी और इसको इधर दिखाऊं आपको, जितनी मैंने मेहनत करी, सफाई करी और मैं नहाने चली गई, उतने में इसने मेरा फिर काम बढ़ा दिया। आपको दिखाऊं, देखो बॉडी लोशन की क्या हालत कर रखा है उदय ने। किसने किया ये, किसने किया? देख रहे हो बच्चे कितना परेशान करते हैं यार। मुझे लगा ये ऐसे खेल रहा होगा, मैं नहा करके आ जाऊंगी, और अभी ये ऐसे करता है, परेशान नहीं करता है, तो मैं नहा वहा करके आ जाती हूँ, खेलता रहता है। लेकिन देखो क्या करके बैठा है, मैं आई। ये उदयन किसने किया? बैक कैमरे से मैं आप लोग को दिखा रही, किसने किया आप लोग देख सकते हो, ड्रेसिंग की हालत और बॉडी लोशन की भी हालत और इस महासे की हालत। इसको मैं नहलाने के बाद मैं खुद नहाने गई हूं, इनको भी मैंने नहा करके एकदम साफ सुथरा। अरे यार ये आपने क्यों किया? सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ आज अप्पे, बहुत दिन बाद, 15-20 दिन हो गया होगा। वैसे तो हम दोनों को ये अप्पे इतना ज़्यादा पसंद है, और उदयन को भी बहुत पसंद है कि हर दूसरे दिन मिले तो खाएं, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो पूरे 15-20 दिन बाद बना रही हूँ। और बैटर ना मैं एकदम पतला ही रखती हूँ, तो एकदम गोल शेप में तो नहीं बन पाते, बट सॉफ्ट बहुत बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अप्पे मैंने बना लिया है और साथ में बनाया है टमाटर की चटनी, तो इसको भी रख लेते हैं। सही लग रहा है ना?
ये प्लांट है। अब आप अपनी कार पीछे लेकर जाओ ना। क्या मंगाया है? ये छोटे छोटे वाले से बड़े वाले नहीं रखे ना, छोटे छोटे वाले ही रखे। अच्छा लग रहा है।